गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जो चैप्टर हम कर रहे थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसमें हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल मैंने आपको बताया था कि उसमें हम पांच कॉलम लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम मैंने आपको बताया था कि कौन सा लेते हैं, डेट। इन द फर्स्ट कॉलम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ एंटर्ड। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे कि जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट मेंशन करोगे। सेकंड है हमारा पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स क्या होता है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है, जिनके बीच में हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। तो हमने ये कहा है कि कोई भी जो लेन देन है उससे दो अकाउंट्स हमारे इफेक्ट करते हैं, आउट ऑफ विच वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड वन अनदर इज़ क्रेडिटेड। तो एक को हम डेबिट करेंगे एंड सेकेंड को क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट जो अकाउंट इफेक्ट करेगा उसको हम लिखते हैं डेबिट, उसके आगे हम डेबिट लिखते हैं, और सेकंड जो हमारा है उसके आगे हम टू लगाते हैं, जो क्रेडिट है उसके आगे हम टू लगाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फर्नीचर का या मशीनरी का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। नरेशन मैंने आपको बता दिया था कि उसके फुट नोट में नीचे हर एंट्री के नीचे ब्रैकेट्स में नरेशन दी जाती है कि ये किस लिए की गई है एंट्री, इसका पर्पस क्या है। तो अगर हम जैसे मशीनरी या फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो नीचे हमने लिख दिया फोर फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, या फिर फोर मशीनरी परचेज्ड। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आता है लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो जिस उस पेज पर उसका लेज़र अकाउंट बनाया गया है, मीन्स उसका एक ही उस मशीनरी से रिलेटेड या उस फर्नीचर से रिलेटेड या उस पर्सन से रिलेटेड पूरी डिटेल रखी गई है, तो उसका पेज नंबर लिखा जाएगा किस पेज पर उसकी पूरी डिटेल हमें गिवन है, तो वो लेज़र फोलियो LF के नाम से लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है अमाउंट डेबिट। इन द फोर्थ कॉलम द अमाउंट ऑफ अकाउंट बीइंग डेबिटेड इज रिटन, कि अगर जिसको डेबिट किया गया वो अमाउंट हम किस में लिखेंगे, डेबिट में। एंड क्रेडिट, जिसके आगे हमने टू लगाया था उसकी अमाउंट हम किस में लिखेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप इन जनरलाइजिंग। बिफोर रिकॉर्डिंग अ जनरल एंट्री इट इज़ एसेंशियल टू एनालाइज अ ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टू अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड। तो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ट्रांजेक्शन हुई है और वो किन दो अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ जनरलाइजिंग। अब जनरलाइजिंग के रूल से हम क्या करेंगे, उसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। वो रूल्स हमने कर लिए थे, रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग जो हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किए थे, वो वाले रूल्स हैं एंट्रीज को करने के। सेकेंड है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड अकाउंट और अकाउंट A/G, इसको भी अकाउंट बोलेंगे, आफ्टर द पर्सनल अकाउंट, कि पर्सनल अकाउंट के आगे हमें अकाउंट वर्ड यूज़ करना नेसेसरी नहीं है। जैसे मैंने कहा राम अकाउंट, ठीक है, राम के आगे मैं अकाउंट लगाती हूँ या नहीं लगाती वो मैटर नहीं करता। पर्सनल अकाउंट हम सीधा नेम से, जैसे इसने कहा गोपाल टू कैश, कैश टू गोविंद, नेम के आगे हमने अकाउंट लगाना हमारा नेसेसरी नहीं है। एक नेक्स्ट है आफ्टर एवरी जनरल एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रोन इन पर्टिकुलर कॉलम सो दैट ईच एंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रसीडिंग वन, कि जब भी हम एंट्री करेंगे उसके नीचे जहाँ भी हमारी एंट्री कंप्लीट होगी, सपोज ये है हमारे पास, हम परफॉर्मा ले रहे हैं, ये है हमारा डेट का कॉलम, ये है हमारा पर्टिकुलर का कॉलम, ये है लेज़र फोलियो, नेक्स्ट इज़ डेबिट अमाउंट और नेक्स्ट इज़ क्रेडिट अमाउंट, ये थे हमारे, ठीक है। सपोज हमारी एक एंट्री यहाँ हुई है, एक ट्रांजेक्शन, यहाँ डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमने लिखा लेज़र फोलियो, यहाँ लिखना है अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ओके। तो इसमें क्या होगा, जब हम फर्स्ट एंट्री करेंगे तो इस तरह से हमने एक लाइन लगानी है ताकि हमें पता हो कि मेरी यहाँ
ये जो एंट्री है वो ख़त्म हो गई है। सेकंड एंट्री के बाद लाइन लगानी है, थर्ड एंट्री के बाद लाइन लगानी है। जैसे मैंने कहा मैंने मशीनरी परचेज़ की, तो मशीनरी परचेज, मशीनरी हमारे पास आया क्या है, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट जितने से भी है टू, यहाँ डेबिट लिखना आपने टू कैश। सपोज ये हमारी 2 लाख की मशीनरी है, तो मैंने इसकी एंट्री इस तरह से करनी है, फोर मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। आप पर्टिकुलर वाला कॉलम थोड़ा सा लंबा बनाएंगे ताकि हम नरेशन और ये एंट्री पूरी कर पाए। नेक्स्ट है हमारा एट द एंड ऑफ ईच पेज बोथ डेबिट एंड कॉलम आर टोटल्ड एंड जस्ट इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर, दीज टोटल मस्ट बी इक्वल बिकॉज द अमाउंट डेबिट इज़ द इक्वल अमाउंट क्रेडिट। हमने क्या कहा है कि एक एंट्री का इफेक्ट दो जगह पड़ता है, ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो सेम होने चाहिए। इसने कहा कि जब आप पेज के लास्ट पर टोटल करेंगे इन इनका इन एंट्रीज़ का और इन एंट्रीज़ का टोटल करेंगे तब आपका वो सेम आएगा, और आपने इसी को सपोज आगे लेके जाना है, इस बैलेंस को, बैलेंस को हमने नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कैरी फॉरवर्ड C/F, इसका मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड। जैसे हम कैरी वाले सम करते थे ना छोटे होते हुए, हमने जब मैथ्स किया है तो हमें कैरी वाले सम सिखाए जाते थे, है ना, तो इसी तरह से हमने उसको कैरी करके लेके जाना है, आगे उसको फॉरवर्ड करना है हमने, ठीक है। एंड द वर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ ईच पेज, और जो हम कैरी करके आगे लेके जाएंगे वहाँ हम डालेंगे BF, ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स इसको आगे लाया गया। सपोज यहाँ मेरा टोटल 15 लाख है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड मीन्स आगे लेके जाएंगे। तो जब नेक्स्ट पेज पे मैं इसे लिखूँगी तो नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, ये BF। अब BF क्या है, ब्रॉट फॉरवर्ड, कि हम पीछे से बैलेंस लाए हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, ये रूल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल है। तो इसमें अगर किसी पर्सन ने कोई, जैसे कैश पेड टू गोपाल, गोपाल को कैश दिया है तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, गोपाल, क्या दिया उसको, टू कैश। यहाँ पर कोई पर्सन नहीं दे रहा, कोई पर्सन का नेम होता तो उसको कर देते हम, शाम कर देते सपोज गोपाल ने, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है, कैश दिया है ना, वो तो हम उस केस में करते अगर हमने उस पर्सन का नाम चढ़ाना है कि उससे उधार दिए हैं उसने, ठीक है। जब भी हम कैश देंगे तो कैश ही अफेक्ट करेगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जब भी आप कैश पेड वर्ड आएगा इट मीन्स हमने कैश में ही दिया है, तो एंट्री हमेशा दूसरी एंट्री जो इफेक्ट करेगी वो कैश को करेगी। इसी तरह से उसने कहा कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द रिसीवर, यहाँ दोनों अकाउंट आ रहे हैं हमारे, रियल अकाउंट भी है और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट भी है, यहाँ भी पर्सनल अकाउंट भी है और रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सन का नेम, रियल अकाउंट मीन्स ऑल एसेट्स अकाउंट, उसमें सारी एसेट्स, कैश भी एसेट्स में आता है ना, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द रूल, इस रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या कहा था हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी ली कैश गया तो टू कैश, कैश आएगा तब हम क्या करते होते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। इसी तरह से नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स,
अब मैंने एक्सपेंस किए, सैलरी पे की है, तो सैलरी किस में दी है? कैश में ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और कमीशन रिसीव्ड किया है तो कैसे रिसीव हुआ हमें? कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो इसमें ब्रीफ में मैं फिर बता रही हूँ, कैश जहाँ पर आपका पे होगा वहाँ टू कैश करोगे, जहाँ कैश आपका आएगा वहाँ कैश अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं इसके लिए, मीनिंग्स हैं कि गुड्स क्या होता है। आगे वर्ड आएगा गुड्स। गुड्स आर दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिसको हम खरीदते हैं लेकिन रीसेल के लिए खरीदते हैं, माल जिसको बोला जाता है, सामान जिसको बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स, गुड्स आर द कॉमोडिटी इन विच द बिजनेस डील। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्लॉथ मर्चेंट परचेज क्लॉथ, द क्लॉथ विल बी टर्म्स एज परचेजेस। कि अगर क्लॉथ मर्चेंट ने क्लॉथ परचेज किया है तो उसको हम परचेजेस बोलेंगे। बट इफ द सेम क्लॉथ मर्चेंट परचेज सम फर्नीचर, से चेयर्स ए सोफा सेट फॉर द सिटिंग ऑफ अ कस्टमर, अगर वो कस्टमर की सिटिंग के लिए फर्नीचर ले रहा है तो हम उसको परचेज नहीं कहेंगे, वो हमारी एसेट है, उसको हम फर्नीचर बोलेंगे कि वो हमारा फर्नीचर है, ठीक है। और अगर उसकी फर्नीचर की शॉप है तो फिर हमने फर्नीचर परचेज किया है तो हम क्या कहेंगे? परचेजेस। क्यों? क्योंकि वो हमने रीसेल के लिए लिया है। तो जो भी चीज़ें आप रीसेल के लिए ले रहे हो उसको हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है, या उसको परचेजेस अकाउंट में ही करोगे आप। गुड्स अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू फाइव अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट हमने लिखा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट जिसमें आप सामान खरीद रहे हो उसको रीसेल करने के लिए, तो वो हमारा कहलाएगा परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिटेड, शुड ऑलवेज बी डेबिटेड। एंड सेल्स अकाउंट क्या होता है? शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ये हमेशा क्रेडिटेड होगा सेल्स। और परचेज रिटर्न क्या है हमारा? परचेज रिटर्न उसका अपोजिट हो जाएगा, वो डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से सेल्स रिटर्न डेबिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलमोस्ट पहले पढ़ लिए हैं, तो ये आपको टाइप भी बता रखे हैं कि इसमें ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला फॉर्मूला जो है वो लगता है कि किसको हमने डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, नॉमिनल अकाउंट है ये। उसके बाद हम लेते हैं फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं, फर्स्ट सम ले रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट सम में हमें सबसे पहले दिया गया है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब उसने बिजनेस को क्या दिया है? कैश, ठीक है। तो हमारे बिजनेस, हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में कैश हमारे पास आया है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आया है कैश? एज अ कैपिटल, तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। नीचे मैंने क्या लिखा? कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय सियाराम एंड सन्स एज अ कैपिटल, कि कैपिटल आई है, कैश आया है एज अ कैपिटल 50,000 का। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स परचेज की है तो कैसे परचेज की होंगी? कैश जाएगा ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस ऑलवेज डेबिट रहेंगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जनवरी 2 की एंट्री थी, साथ में डेट भी लिखोगे, नीचे नरेशन भी लिखोगे, गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब वहाँ कैश लिखा था, यहाँ सुभाष लिखा है, इट मीन्स हमने ये क्रेडिट पर परचेज की है, हमने उसे पेमेंट नहीं दी, तो वैसे ही परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे? कैश तो नहीं गया टू सुभाष, ओके। नेक्स्ट है हमारा परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश आएगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट है कैश पेड कैश टू सुभाष। अब इस सुभाष को जिससे हमने परचेजेस की थी कुछ कैश पे किया है, तो एंट्री क्या होगी? कैश पे करते हैं तो क्या एंट्री होती है? सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश। नीचे नरेशन लिखते जाएंगे कैश पे टू सुभाष। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बिना एंट्रीज के ही हमें समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या था, वो इस नरेशन के बेस पर। नेक्स्ट है हमारा परचेजेस गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, तो क्या एंट्री होगी? परचेजेस टू कैश। अब रवि का नेम दिया है लेकिन इन्होंने कैश लिख दिया, जहां भी कैश वर्ड आ गया तो हमें नहीं पता किस पार्टी से लिया, क्यों लिया, हम सिर्फ कैश ही ध्यान देंगे, ठीक है। परचेजेस टू कैश, हमने कैश में परचेज किया, यहाँ रवि का नेम ही नहीं लिया हमने, कैश में हमने किसी से भी परचेज किया, ठीक है। नेक्स्ट में इसने रवि से लिखा लेकिन कैश नहीं लिखा, इट मीन्स हमने उधार में सामान खरीदा है। उधार में खरीदने को हम लिखते हैं ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा बोट मशीनरी फॉर कैश, अब कैश मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेड रेंट, अब यहाँ कैश वर्ड नहीं है लेकिन पेड है, पेड कैसे करोगे आप, पे कैसे करोगे, रेंट पे कैसे करोगे, कैश से पे करोगे ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश रेंट पेड, क्लियर। तो ये डेट भी लिखनी है आपने, हर एंट्री के बाद लाइन भी लगानी है, यहाँ फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उस पर डेबिट डेबिट भी लिखना है, उसकी एंट्री डेबिट के सामने अमाउंट यहाँ लिखनी है और क्रेडिट वाले अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखनी है, नेक्स्ट लास्ट में इसका टोटल करना है, क्लियर। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही था, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट के टॉपिक में लेंगे, नेक्स्ट के लेक्चर में लेंगे। इसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।